वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी, कहती है आपको खुश आमदीद। और ये है किचन सेगमेंट और यहाँ पर कौन मौजूद है? जी हाँ, शेफ अलीना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? जी नाज़रीन, आप लोग बहुत खुश हो जाएं क्योंकि यहाँ पर बच्चे बड़ों के लिए सबके लिए एक जबरदस्त किस्म की चीज बनी, वो है क्या? तो शेफ अलीना बताएंगी। आज हम लोग बेकरी स्टाइल पिज्जा, मिनी पिज्जा बना रहे हैं। रियली? इस जगह नाम सुनते ही बच्चे खुश हो जाते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स पहले बताए जाए फिर हम शुरू करें। मतलब बहुत माइनर से इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत मतलब झटपट सी रेसिपी है। क्या मतलब आप टी टाइम पे भी एज अ स्नैक्स आप उसको यूज कर सकते हो। सो हमारे पास ये बंस रखे हुए थे, ठीक है, तो फिर हम मतलब उसके बाद हमारे पहले इसमें चीजों का नाम ले लो फिर हम स्टार्ट करेंगे, बाद में हम असेंबल कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे पास बेबी स्वीट कॉर्नस हैं, हमारे पास कैप्सिकम है, हमारे पास अनियंस हैं, चॉप्ड अनियंस हैं, चिली वो चिली फ्लेक्स हैं, बटर है अनसॉल्टेड, हमारे पास केचप है, चिली सॉस। यार ये अलीना की जो ट्रेन छूटती है ना। जी नाज़रीन, अब मैं आज अलीना को सिखा रही हूं। कम यार प्लीज। अच्छा जी नाज़रीन, हम लोग आज मिनी पिज्जा बना रहे हैं और इस मिनी पिज्जा में जो इंग्रेडिएंट्स यूज होंगे वो आपके घर में मौजूद होते हैं अक्सर मेजोरिटी, जिसमें ये आप देख रहे हैं ये छोटा सा बन, ठीक है, और इसके अलावा इसके अंदर शिमला मिर्च और मकई के, बिल्कुल इसमें मकई के दाने, ठीक है, ये देखिए आप इनको बॉईल करें हल्का सा। अच्छा इसके अंदर ये इसमें कुटी हुई मिर्चें और इसके अंदर जो केचप, चिली सॉस चलो जी, और इसके अंदर है मक्खन, बटर, ठीक है, अनसॉल्टेड बटर। अच्छा जी अनसॉल्टेड, इसमें नमक नहीं। ओके जी, इसके अंदर ये चॉप अनियन यानी कि प्याज, इसको हम जो हम छोटा छोटा काट लेंगे, ये तमाम इसमें चीजें। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, अब इसकी असेंबलिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए जी आ जाए शेफ अलीना। ओके सो हमने ये अपना छोटा सा मिनी बंस ले लिया है, ठीक है जी। उसके बाद हम ये अपना सबसे पहले हमारा चिली सॉस जो है हमारा थोड़ा थिक था, ये बिल्कुल मैं समझ गई, मजेदार चटपटा ये लग रहा है इसके ऊपर चिली सॉस। जितना आपके बच्चों को पसंद है उसके अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं। बट अलीना यहाँ कोई बच्चा नहीं है मेरे अलावा, मैं ही बची कुची हूँ, ठीक है। तो फिर हमने अभी अपना इजाजत है। मैडम क्या हाल चाल आपका, ठीक ठाक है आप? मेरे प्यारे भाई आपका नाम क्या है? अमजद शहजाद बात कर रहा हूँ मुल्तान से। मुल्तान से अमजद शहजाद भाई कैसे हैं? मुल्तान कैसा है ये बताइए। अल्लाह पाक का शुक्र है, माशाल्लाह धूप निकली हुई है। मैं तारीफ करना चाह रहा हूँ आपके प्रोग्राम की, माशाल्लाह ऐसा कि हमारी घर की जो खवातीन है जी जी, उन्होंने आपके प्रोग्राम से माशाल्लाह बहुत कुछ सीखा है और सीख भी रही है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही अच्छा आपका प्रोग्राम जा रहा है। आपके चैनल की तवज्जो से बताना चाहता हूँ कि अगर किसी ने कुछ सीखना है तो बजाय यहाँ वहाँ जाने के यहाँ आया। हाँ जी हाँ जी, मैं तो बड़ा खुश हूँ, मेरे घर वालों ने महिला बड़े अच्छे खाने बनाना सीख लिए आपके प्रोग्राम से। हाँ मैंने सभी को थोड़ा थोड़ा सिखा दिया है। ये देखो इतनी होशियारी करी मैंने सभी को सिखा दिया, क्यों भाई ये गलत बात है? क्योंकि ये आप माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपका कराची में है, मैं मुल्तान से बात कर रहा हूँ जी जी। तो ऐसा है कि माशाल्लाह अभी देखो जो भी आपकी रेसिपी होती है घर में ट्राई होती है, थोड़ा पता बहुत मसला हो जाता है लेकिन बाद में वही रेसिपी सेट होके माशाल्लाह बहुत प्यारा फ्लेवर आता है, बहुत प्यारा टेस्ट आता है। और आपको हम लोग दुआएं देते हैं जी। जज़ाए खैर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह चलें जी मुल्तान से शहजाद भाई, बहुत शुक्रिया शहजाद भाई, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दो में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। चलें जी हम लोग अपनी दोबारा मिनी पिज्जा, इसके ऊपर रेसिपी। हां ओके चले जी, आज तुसी बनाई हो कि पंजाबी में मुल्तान में मुझे इतनी अच्छी तो नहीं आती, आज तुसी अपने बटर नाल बटर आए नहीं है, मैंने पंजाबी और सिंधी मिक्स कर दी। अच्छा जी आज कराची वालों को ये हम लोग सब जबानों के साथ रहते हैं, कराची में हर कम्युनिटी हर जो है ना वो रहते हैं। आज ताड़े कार बन रहा बंद कबाब पिज्जा, पिज्जा स्टाइल विच बेकरी पिज्जा, चल बेकरी पिज्जा जी तुसी खाई हो ते मौजा उड़ाई हो। हम इसको हल्का सा ग्रीस कर लेंगे, थोड़ा सा इसको बटर से मक्खन से थोड़ा ऑयली कर लेते हैं जैसे हम कह सकते हैं, कोर्स इसको साइड पे करूं या ठीक है बिल्कुल साइड पे ताकि ज्यादा वो ही ना हो कि जल जाए, वो जैसे ये कहती है अक्सर जल ना जाए। अच्छा जी नेक्स्ट क्या है इसमें? क्या हम अभी स्वीट कॉर्न डाल देते हैं? अच्छा हमारे पास चीज भी है। ओह चीज तो बताई नहीं, और मैं कह रही ये जर्दा कहां से निकाल के रखे पूछना भूल गई। हां येलो चीज है। अच्छा इसे निकाल लूं किसी प्लेट में? हां आप निकाल सकते हैं जी, एक निकालते हैं क्योंकि एक हम बना के आपको सॉरी सिखाएंगे। और इस वक्त शेफ अलीना एंड शेफ सभी होस्ट प्लस शेफ, नहीं मैं घर में बहुत अच्छे खाने बनाती हूँ ऐसी। हाँ मैं आई थी, आपने बहुत अच्छी सी चीजें बनाई थी वैसे, बाय द वे
कटलेट है वो जो आपके बहुत मतलब बहुत मजेदार सब्जियाँ बनाती हूँ और मुझे वही पसंद है चिकन सब्जियाँ वैसे खानी चाहिए मुझे वही पसंद है ठीक है मैंने थोड़ा चिली फ्लेक्स इसमें डाल दिया ताकि हमारे पास और मतलब अच्छा फ्लेवर और ठीक जी ओके ठीक है आप उसमें ऑरिगैनो डाल सकते हैं ओके तो अभी मेरे पास अवेल नहीं था तो इसलिए मैंने नहीं नहीं इट्स ओके वो अपने फ्लेवर के मुताबिक जिसको पसंद है एग्जैक्टली बिल्कुल नेक्स्ट हम कहां का स्टेप चेंज इसको दोबारा रखूं बिल्कुल ओके अभी हम चीज डाल देंगे ये चीज मुझे इससे खुल नहीं रही है देखिएगा मैं कर देती हूं ये अच्छा जी ये इन्होंने ओपन करी मैं इतनी देर से नोट करी थी कहां से होगा अच्छा जी मैं जब तक ये चीज लग रही है ये देखें जी नाज़रीन ये चीज बिल्कुल अच्छा कुछ थोड़ी गर्मी की वजह से हल्की हां ये मेल्ट हो जाती है ओके ठीक है ये थोड़ी सी मेल्ट हो गई है ये इन्होंने थोड़ा थोड़ा मुझे वैसे बहुत पसंद है चीज अरे वाह चीज तो खैर सभी को पसंद होती है और बच्चों की तो ज्यादा फेवरेट होती है ओके बच्चों की ज्यादा फेवरेट और ये डल गई चीज और हल्का हल्का हमारा म्यूजिक की तरफ मुझे सुनाई नहीं आ रहा शहजाद भाई क्यों और गुड मॉर्निंग विद सभी आप देख रहे हैं और आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं नंबर स्क्रीन पर मौजूद है और अगर अगर आप टैलेंटेड हैं और आपके स्किल्स कुछ हैं तो ऑफ कोर्स आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं 03158248704 कितनी देर के लिए थोड़ी देर के तक चीज मेल्ट हो जाए ठीक है हम चलते हैं महबूब साहब की तरफ और महबूब साहब से कुछ बात करना चाह रहे थे महबूब साहब जी सर आप कुछ कहना चाह रहे थे कुछ बताना चाह रहे थे जी हेल्थ सेक्टर के ऊपर बात जो हम कर रहे थे जी 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 बिल्कुल बिल्कुल जी जी हेल्थ सेक्टर में जैसी तरह हम एजुकेशन और हेल्थ पे काम कर रहे हैं अब मुख्तलिफ जगहों पर हम कैंप लगाते हैं कुछ ऐसे पेशेंट हमारे पास आ जाते हैं जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है अगर उन्होंने आई हमारे पास टेस्ट कराई है तो हम रेफ़र कर देते हैं मुख्तलिफ हॉस्पिटलों में या जो हमारे साथ डॉक्टर्स हमारे साथ एसोसिएट हैं उन्हें वहाँ रेफ़र करते हैं ताकि उनका जो ट्रीटमेंट है वो सही से हो जाए ऑपरेशन हो जाए ऑपरेशन में जो सपोर्ट चाहिए होती है वो हमारे पास दो चार लोग हैं दोस्त हैं क्योंकि हम जो भी काम करते हैं वो हमारे एग्जीक्यूटिव बोर्ड कमेटी के मेंबर हैं उस पर फैसला करते हैं कि किस शख्स को कितना डोनेशन देना चाहिए या कहाँ क्या सपोर्ट करना चाहिए तो उस शख्स को हम बिल्कुल अच्छे से मेटलाइज करके उसका ट्रीटमेंट करा देते हैं अच्छा एक और सवाल महबूब साहब ये बताएं कि देखिए सामाजिक काम तो हर बंदे के अंदर एक थोड़ी सी फितरत होती है दूसरे की हेल्पिंग हैंड बनना तो ज़रूरी है वो किसी एनजीओ से बिलोंग करे तो ही कुछ अच्छा काम कर सकते हैं क्या वो किसी एनजीओ को ज्वाइन करके काम करें या खुद से कुछ कर सकते हैं देखिए इंडिपेंडेंट भी कर सकते हैं काम लेकिन अगर किसी एनजीओ के साथ होते हैं तो आपके पास एक दायरा अख्तियार बहुत बड़ा आ जाता है कि उस शख्स को अच्छे तरीके से आप फैसिलिटेट कर सकते हैं और उसकी सोशल मोबिलाइजेशन या अगर उस पेशेंट को आपने पिक एंड ड्रॉप की सहूलत देनी है अगर उस हॉस्पिटल तक या जहाँ पे भी उसको रेफ़र कर रहे हैं आप तो वो डॉक्टर्स आप उस पैरामीटर में आते हैं और वो उसको अच्छा सा आप एंटरटेन कर सकते हैं यही वो तरीक़ेकार होता है कि हम किसी भी शख्स को जब तक अच्छा सा अटेंशन नहीं देंगे उस शख्स को जो सोशल हमारे साथ जुड़ना चाहता है हमारे साथ काम करना चाहता है एज अ यूथ एम्बेसडर बन के या इंडिविजुअल सतह पर तो उसे एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिल जाता है ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन जाता है और एनजीओ में आने के बाद तो फिर वो खुद अपनी लाइफ को भी चेंज कर सकता है क्योंकि उसमें एक बहुत बड़ा डोमेन मिल रहा होता है कि वो अगर एजुकेशनिस्ट है तो एजुकेशन सेक्टर में हमारे साथ काम कर सकता है अगर मेडिकल लाइन से है या फर्स्ट एड ट्रेनिंग उसको मिल जाती है तो वो हमारे साथ किसी भी तरीके से अपने जो ख़ास दिन होते हैं जिसमें उसको गैप मिल रहा होता है हमारे साथ सोशल कामों में बहुत अच्छा सा सपोर्ट कर पाता है हमें ठीक है अच्छा जी हमारे साथ शेफ अलीना मौजूद हैं और हम इसको ऑफ कोर्स या तो आप इसको माइक्रोवेव ओवन में रख लें वो बेहतरीन है बहुत इजीएस्ट है क्योंकि इसमें थोड़ा सा फ्राई पैन में ये क्या कुछ लोगों के घर में ओवन नहीं होता माइक्रोवेव भी होता तो हम पैन के ऊपर कैसे कर सकते हैं बहुत धीमी बहुत स्लो आंच पे मिनी वो फ्लेम के ऊपर हम जो है इसको बिल्कुल बिल्कुल अच्छा जब तक अलीना होता है ना मैं यहाँ पे छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं उसके बाद हम लोग कम बैक करते हैं ठीक है जी नाज़रीन हम लोग लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ जब तक बन रहा है हमारा पिज्जा